नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 मई रविवार दोपहर 1 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। देश में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। पिछले 24 घंटों में 4,03,626 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। यह लगातार चौथा दिन था जब 24 घंटे में 4,00,000 से ज्यादा केस आए हैं। नए संक्रमितों के साथ मौतों का बढ़ता आंकड़ा भी चिंता का सबब बन रहा है। शनिवार को देश में 4,091 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई। हालांकि राहत की बात रही कि पिछले 24 घंटे में 3,86,207 लोगों ने कोरोना को मात दी। यह एक दिन में ठीक होने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। कोरोना संकट के भयावह दौर में भी लोग कालाबाजारी से नहीं चूक रहे हैं। कोरोना रोगी के लिए बेहद जरूरी ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी की जा रही है। श्रीगंगानगर जिले में देर डीएसटी ने कार्रवाई करते हुए बारामासी नहर के निकट पीएमजी हॉस्पिटल के 3 लोगों को 300 रुपये का ऑक्सीजन सिलेंडर 2,800 रुपये में बेचते हुए गिरफ्तार किया है और मौके से 19 सिलेंडर जब्त किए हैं। डीएसटी प्रभारी कश्यप सिंह ने बताया कि करनी मार्ग के दीपत, एसएसबी रोड के रविंदर सिंह और डूंगर कॉलोनी के सुनील कुमार को गिरफ्तार किया है। इस बारे में अभी पूछताछ की जा रही है। अजमेर जिले के अराई कस्बे में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 2 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बैंक के मैनेजर अंकित जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिन पहले कैशियर की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद बैंक को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अब फिर से 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आए हैं जिनका कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इलाज किया जा रहा है। अलवर के अलावड़ा के पास चोमा गांव में खड़े ट्रक में आग लग गई, जिससे अंदर खेल रहे 4 में से 3 बच्चे जिंदा जल गए। चौथा भी गंभीर घायल है। एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत के सदमे में उनके माता पिता सहित परिवार के अन्य लोग बेहोशी की हालत में हैं। मृतक बच्चों में 2 सगे भाई हैं। घटना के वक्त बच्चे अपने मामा के ट्रक में थे, जो ट्रक खड़ा करके खुद के गाँव गोविंदगढ़ के बैरोली चला गया था। पीछे से उसके भांजे ट्रक के कैबिन में खेलने के लिए चढ़ गए। इसके बाद कैबिन लॉक हो गया। बच्चे स्टेयरिंग के आसपास वायर व अन्य उपकरणों को देखने लगे। उसी समय शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। किशनगढ़ के डिडवाना गांव में एक कुएं में युवक के गिर जाने से उसकी मौत हो गई। बांदर सिंदरी थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 वर्षीय विनोद भाट कुएं में लगी मशीन को ठीक कर रहा था कि संतुलन खो जाने के कारण वह कुएं में जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर एएसआई अरविंद कुमार मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाया गया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। अजमेर जिले के अराई विद्युत विभाग में कार्यरत महिला सहायक अभियंता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद 3 पूरे पावर हाउस को 3 दिन के लिए सील कर दिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एएन मनोज बंसल ने बताया कि महिला कर्मचारी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पावर हाउस में संक्रमण रोधी दवा का छिड़काव भी किया गया है। इसके बाद पावर हाउस को आगामी 3 दिन के लिए सील कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना प्रबंधन को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री गहलोत ने अधिकारियों से कहा कि डोर टू डोर सर्वे करवाया जाए, वहीं दवा किट का वितरण भी किया जाए। इससे लक्षण वाले रोगियों के समय पर जांच हो सकेगी। उन्होंने कहा कि संक्रमण के प्राथमिक स्तर पर ही दवा मिल जाने से जीवन बचाना आसान होगा। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर आने की आशंका है, इसलिए बच्चों के उपचार को भी व्यापक रूप से प्रबंध किए जाएं। अस्पतालों में गहन चिकित्सा सुविधाओं एवं आईसीयू और पीआईसीयू को भी मजबूत करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए। झालावाड़ जिले में पुत्र के बाद बुजुर्ग पिता ने भी कोरोना संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया। इसकी जानकारी मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे और हंगामा करना शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही डीएसपी राजीव परिहार व थाना प्रभारी अनिल पांडे पुलिस पार्टी के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों से समझाइश कर उन्हें शांत किया गया। मृतक पिता पुत्र खानपुर थाना क्षेत्र के ब्रह्माखेड़ी गाँव के रहने वाले थे। सवाईमाधोपुर जिले के खंडार पुलिस थाना में ड्यूटी के साथ साथ पुलिसकर्मी फरिश्ते का रूप भी ले रहे हैं। जानकारी के अनुसार 7 वर्षीय बालिका सोनिका का हीमोग्लोबिन बहुत कम होने पर उसके लिए बी नेगेटिव रक्त की आवश्यकता पड़ी, तो थाना के कांस्टेबल बलराम गुज्जर ने तुरंत प्रभाव से रक्तदान किया, जिससे बालिका की जान बच गई। इस पर थाना प्रभारी भगवान लाल मेघवाल ने कांस्टेबल की पीठ थपथपा गई। दूसरी तरफ बौली के मित्रपुरा क्षेत्र में एक महिला की कोरोना संक्रमण से मौत होने पर शव का अंतिम संस्कार करने के लिए पुलिस चौकी प्रभारी मुकेश कुमार व अन्य जवान आगे आए और शव का अंतिम संस्कार करवाया।
ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.